हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और बहुत टाइम के बाद मैं जा रहा हूँ घूमने ट्रिप पे अपनी बाइक पे, और इस आउटफिट में आप मेरे को बहुत टाइम के बाद देख रहे होंगे, करीब करीब 1 से 1.5 साल बाद। पहले तो मैं लद्दाख गया था इससे पहले, उसके बाद मैंने कोई भी बाइक ट्रिप नहीं करी है। तो और स्टिकर भी देख रहे होंगे आप, ले 2022 का अभी तक लगा हुआ है, बल्कि अभी चल रहा है अगस्त 2023, 1 साल से ऊपर हो गया, इस स्टिकर को मैंने उतरवाया नहीं है। और अपनी बाइक मैंने ना सुबह उठ के ही धोई है, 4:30 बजे मैं उठा, 5 बजे तक मैंने बाइक धोई, और उसके बाद मैंने रेडियो ने स्टार्ट किया। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30, तो सब लोग यहाँ पे तैयार होकर मेरे पास आ चुके हैं और पेट्रोल फिल करा रहा है पी के। मेरी तो टंकी पहले से ही फुल थी, तो मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पी के अभी टंकी फुल करा के आया कैप्टन अमेरिका हमारा, और ये भास्कर भाई की बाइक, और ये हमारी गौ माता। लेट्स गो गाइस, ठीक है, आर यू ऑल सेट टू गो, लेट्स एंजॉय। तो चलो गाइस चलते हैं नैनीताल की तरफ, हम लोग नैनीताल जा रहे हैं, और उसके बाद जाएंगे हम इंद्रोली बाबा और आसपास की एक दो जगह, वो हम आपको वहीं पे जाके बताएंगे। अभी हम सचिन के पास जाएंगे, रास्ते में हमको मिलेगा लप्पू सा सचिन, मिलेगा हमको रास्ते में, अभी थोड़ी देर में हमको मिलेगा लप्पू सा सचिन। तो चलो लेट्स गो। और भास्कर भाई का तो इंटरकॉम कनेक्टेड है, पीके ने अभी नया इंटरकॉम लिया है कल ही, तो इसका इंटरकॉम बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रखा है, हमको चलाना भी नहीं आता क्योंकि 1.5 साल हो गया चलाए हुए, कनेक्ट करे हुए। तो अब इसका इंटरकॉम कनेक्ट करते हैं, तो फिर तीनों का इंटरकॉम आपस में कनेक्ट हो जाएगा, तो तीनों कनेक्टेड रहेंगे। तो लेट्स अब देखते हैं यूट्यूब पे कैसे कनेक्ट करते हैं, हमको भी नहीं आता ना। हम मेरे से बाहर आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 6:46। अभी यार अपना पीके और भास्कर भाई पीछे आ रहे हैं, हम यहाँ पे रुके हैं भास्कर भाई का गोप्रो सेट करने के लिए, उनकी ना गोप्रो हैंग हो रहा है तो बंद हो गया वो, तो उसको दोबारा से ऑन करके वो वीडियो बनाएंगे। तो वो हम रुके हैं यहाँ पे और आ गए पीछे राइडर निक्की भाई, देखो कितनी सारी विंडशील्ड लगा रखी इन्होंने, और ये सर के ऊपर से उतार देंगे कितनी सारी विंडशील्ड, तीन चार लगा के। तो गाइस नज़ारे देखो, नज़ारे कितने अच्छे नज़ारे हैं, ये हमारी बाइक का डैशबोर्ड डैशबोर्ड बता रहे हो, कंसोल है हमारी बाइक का, ये हैंडल लगने के बाद कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और ये रहा घोसीपुर, हम गाइस घोसीपुर पहुंच गए, आपको तो आपने तो कभी देखा नहीं होगा। तो गाइस अभी मेरे पीछे से तो बहुत तगड़े बाइकर्स आने वाले हैं, तो वो लोग निकलेंगे तो मैं उनके वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। वाले लौंड आए अपने साथ वाले, तो चलो हम भी इनको फॉलो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड को। लप्पू सा सचिन है, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में, लप्पू सा तो सचिन है, बोल लो वहां पे आवे ना, साइड पॉइंट है ना नैनीताल में। गाइस हम गढ़ टोल पे पहुंच चुके हैं और हमारा लप्पू सा सचिन यहाँ पे हमको मिल गया है, और ये लप्पू सा सचिन की न्यू बाइक। तो गाइस ये इनके न्यू बाइक, और इस पे पूरा लगेज वगैरह इन्होंने फिट कर रखा है, और आज इस बाइक का टेस्ट है, तो देखते हैं ये टेस्ट में इनको इनके सामने पास होती है नहीं। गाइस सुबह के 8 बज रहे हैं और हमें घर से निकले हुए हो गया बहुत ज़्यादा टाइम, इसलिए हम रुके हुए हैं यहाँ पे, इंटरकॉम पेयर कर रहे हैं सब, इंटरकॉम ले तो लिए पर ये नहीं देखा कि पेयर कैसे होते हैं। तो मेरा और भास्कर भाई का तो पेयर था इंटरकॉम, बट लेकिन इन दोनों का पेयर नहीं था, अब इन्होंने नया नया फ्रेश इंटरकॉम लगाया, देखते हैं इनका भी पेयर वेयर करते हैं, तो अपना फिर चलते हैं सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर। गाइस ये है अपना गढ़ वाला टोल, और सबकी बाइकें कितनी सही लग रही हैं भाई, बहुत टाइम के बाद ऐसा आउटफिट ऐसा लुक बाइक का निकल के आया होगा। और पी के क्या हाल चाल, डिप्रेस्ड लुकिंग, डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस शिटी हेलमेट। भाई अभी बज रहे हैं 10 और हम पहुंच चुके हैं मैकडॉनल्ड्स गजरौला, तो अभी यहाँ पे हमने कोल्ड कॉफ़ी लिए, बर्गर्स लिए हैं, तो इनको खा के अपना निकलेंगे आगे की तरफ, और हमें बहुत टाइम लग रहा है भाई पहुँचने में, बहुत स्लो जा रहे हैं, बीच में रुक रुक के काफ़ी सारे काम कराए थे, तो मेरी बाइक का पोल्यूशन भी होना था, पीके की बाइक का भी पोल्यूशन होना था, तो मतलब डरा के अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना रिफ्रेशमेंट लेके सीधा जाएंगे नैनीताल, उससे पहले रुकेंगे ही नहीं, यही अपना प्लान है, यहाँ से सीधा वहीं जा कर रुकेंगे और कहीं रुकेंगे ही नहीं बीच में। तो नहीं भाई फटाफट इसको फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आपको
थोड़ी देर बाद। अभी टाइम हो रहा है 12:08 और ये है पीके। इसकी वजह से हमारा ना बहुत ज़्यादा टाइम का नुकसान हो रहा है। हम सुबह से निकले हुए हैं 6:30 से, ठीक है। मेरे को याद है जब मैं लद्दाख गया था तो 6 घंटे में मैंने लाइक 350-380 किलोमीटर कवर कर लिए थे, लेकिन अब सिर्फ इसकी वजह से हमें लग रहा है पूरे सचिन भाई ढूंढ के लिए आए 6 घंटे 150 किलोमीटर कवर करने में 6 घंटे लग गए। पूरा मिशन कंप्लीट कर इसकी वजह से ना ग्लव्स पीछे गिर गए थे, तो वो ग्लव्स ढूंढने गए थे। अभी रुके थे हम यहाँ पे और अभी 100 मीटर पीछे भी रुके थे, फिर 3 किलोमीटर पीछे भी रुके थे, तो रुकते रुकते आ रहे हैं हम लोग। चल कम रहे हैं, रुक ज़्यादा रहे हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:08 और अभी हम पहुँचे कौशी बैराज और देख लो गाइस 8 घंटे हो चुके हैं अपने को निकले हुए और अभी हम यहीं पहुँचे हैं। 8 घंटे में तो इंसान ना गाड़ी से भी पहुँच जाता है, कार से भी पहुँच जाता है नैनीताल, लेकिन हम बाइक से भी नहीं पहुँच पाए क्योंकि अपने साथ एक प्राणी है जिसकी ये बाइक है और वो एक नंबर का बेवकूफ है। इतने सारे इसमें ये तामझाम लगवा दिए ना उसने, जिसकी वजह से बाइक में ना कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आई जा रही है बार बार, जिसकी वजह से हमारा हो रहा है टाइम बहुत सारा वेस्ट। तो एनीवेज देखो ये कोशी बैराज है, यहाँ पे ये डैम है, देखो कितना बड़ा, अभी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में, और वहाँ पे पानी बह रहा है बहुत सारा। यार अपने सचिन भाई जस्ट अभी यहाँ पे एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया है। XUV 700 थी है ये, और ये पूरी की पूरी टूट गई आगे से, एक साइड से तो काफ़ी ज़्यादा टूट गई है, दोनों एयरबैग्स खुल गए हैं और जो मेन गाड़ी जो ठुकी है इससे वो वहाँ पड़ी हुई है। देखो जहाँ भीड़ है ना वहाँ पे, और जो उसके अंदर बैठे थे वो लोग भी उस गाड़ी के अंदर ही हैं अभी। बहुत बुरी हालत हो रखी है गाड़ी, बहुत बुरी, और जो उस गाड़ी के अंदर बैठे थे उनकी चोट लगी है बहुत ज़्यादा। तो अब हम अभी बारिश स्टार्ट हो गई है तो अपना रेनकोट वगैरह पहन लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। टाइम हो रहा है 4:30 पर नैनीताल हम पहुँचने वाले हैं और सुबह के निकले हुए हम 6 बजे के, तो आप यकीन नहीं करेंगे इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना हमको, इतना ज़्यादा लग ही नहीं सकता किसी भी हाल में। और ये खड़ी है अपनी बाइक और अभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ और 20 मिनट से रुका हुआ हूँ, उनका वेट कर रहा हूँ और अभी तक भी नहीं आए हैं वो लोग। और भाई यहाँ आके मेरे को पता लगा कि बारिश वारिश का सीन चल रहा है, तो मैंने रेनकोट पहन लिया है पूरा ऊपर से नीचे तक, मैं रेनकोट लेके आया था, इंतज़ाम करके आया था वर्स्ट सिनेरियो के लिए। तो लेकिन बारिश तो पड़ी नहीं अभी तक, बट रेनकोट मैंने पहन लिया सेफ्टी के लिए। तो एनीवेज मौसम काफ़ी ज़्यादा हसीन हो रखा है भाई, कितना सही लग रहा है, बहुत बढ़िया हवा आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसे फीलिंग अपने को वहाँ लेने को नहीं मिलती अपने NCR के साइड में, बट यहाँ पे मिल रही है तो क्यों ना रुक के ले ली जाए। तो मैं रुक के फील ही ले रहा हूँ अभी, और गाड़ी वाड़ी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे भी, तो टूरिस्ट बसें आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो देख सकते हैं आप। अभी टाइम हो रहा है 7:00 और हम रूम पे बिल्कुल सेटल हो चुके हैं, कपड़े वपड़े मैंने भी चेंज कर लिए हैं। अभी प्लान करेंगे हम खाने जाने का क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज भूख लग रही है। और ये रहा पीके, ये सचिन भाई अपने अभी अपने देसी आउटफिट में ये रिलैक्स फील कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर इन्होंने कपड़े वपड़े पहने नहीं अभी, अभी इनको ठंड लगेगी ना जब जाके पहनेंगे कपड़े। और भाई जैकेट पहन रखे हैं मैंने, यहाँ पंखा भी नहीं है, AC भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है काफ़ी, और आज थोड़ी अभी बारिश भी हो रही है बाहर, तो इस वजह से ठंड भी ज़्यादा हो रही है। तो अभी देखते हैं बाहर खाना खाने जाएंगे या नहीं जाएंगे, मॉल रोड घूमने जाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर बारिश रुकती है तो बाहर खाना वाना खा के आएंगे और अदरवाइज़ यहीं पे मंगा लेंगे। और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है रूम का भी, अभी अपना 9 बजे बिग बॉस चला देंगे, अपने राव साहब को देखेंगे, सिस्टम करेंगे सिस्टम। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में।